हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो स्पेशली टॉपिक है वो वुमेंस के बारे में है और ये पीसीओडी के बारे में है कि पीसीओडी लेडीज़ में, गर्ल्स में क्यों होता है। कई लोगों को, मतलब 4 से 5 में से एक ऐसी महिला होती है जिसको पीसीओडी का दिक्कत हो जाता है, तो ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। कई बार कई हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है, लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि पीसीओडी एक्चुअली होता क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसको सही कैसे कर सकते हैं और इसके होने से आपकी जो बॉडी है, जो बीमारी है, वो किस तरीके से होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बारे में है। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, वुमेंस के लिए है, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बेसिक नॉलेज के लिए ये जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पीसीओडी है इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी नहीं बोल सकते हम इसको, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कुछ रीजंस की वजह से स्पेशली गर्ल्स में हो जाती है। तो इससे कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये हो जाती है, जिसमें आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द होना या काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पीसीओडी होता है। तो दोस्तों, जो पीसीओडी होता है ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब गर्ल्स में और वुमेंस में हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और संतुलित हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको पीसीओडी का दिक्कत होने लगता है। हार्मोनल जो बैलेंस होता है ये हमारी बॉडी में, वुमेंस बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, इसी वजह से प्रेगनेंसी, पीरियड्स और जितनी भी चीज़ें हमारी रूटीन की होती हैं वो बैलेंस्ड रहती हैं। लेकिन अगर हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं तो ऐसे में आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। इसमें जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। इसमें एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन होता है। इनकी ज़रूरत हमें जब हमारी बॉडी में जो एग्स होते हैं वो बनने में हेल्प मिलती है और ओवरसीज बनने लगते हैं। लेकिन मेंसुलेशन में कभी कभी इससे क्या होता है कि तेज़ी आ जाती है या टाइम पे नहीं हो रहे हैं। जब हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा ठीक से तो ऐसे में आप कई बार होता है कि पीरियड्स में लेट हो गए हैं या पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, कई बार कम होते हैं, कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पीसीओडी जो होती है इसके रीजंस क्या होते हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हैं तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। इसके जो कॉजेज़ हैं, कारण हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। दूसरा है आपका जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को, मतलब अनुवांशिक तौर पर अगर किसी को पहले हार्मोनल इम्बैलेंस था या पीसीओडी का दिक्कत था तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा होता है एंड्रोजन का उत्पादन ज़्यादा होना। एंड्रोजन एक्चुअली मेल सेक्स में होता है, लेकिन फीमेल्स में भी होता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। जब ये ज़्यादा होने लग जाता है तो ऐसे में भी पीसीओडी का दिक्कत होता है। एजिंग एक ऐसा मेन फैक्टर है जिससे भी आजकल पीसीओडी का दिक्कत काफ़ी आता है। पहले के लोग जो खान पीन था और खाने पीने में काफ़ी ध्यान रखते थे, अभी लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। स्पेशली गर्ल्स लोग को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो खान पान गलत होने की वजह से पीसीओडी की दिक्कत आगे के टाइम में बेसिकली पहले लोगों को 30 से 35 में आती थी, लेकिन अभी 20 से 21 साल में, 16 साल में भी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि हाइपरटेंशन लेने से, अगर आप हाइपरटेंशन लेते हैं तो पीसीओडी हो सकता, प्रॉब्लम आपको हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें जो मेन होता है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। दूसरा, ओवरवेट, अगर आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो पीसीओडी का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तीसरा, आपको थकान फील होगी, आपको पिंपल्स होने लगते हैं, तो काफ़ी रेड रैशेज़ हो जाते हैं फेस पे, या आप टायर्ड फील कर रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं आपको, सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या फिर आपके बाल काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, थिक हेयर्स हो रहे हैं। तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी के होते हैं। अगर आपको इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो एक बार डॉक्टर एडवाइस ज़रूर लें। इसका होम ट्रीटमेंट क्या है, आप कैसे इसे सही कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ वीडियो में।
पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ एक डिसऑर्डर है जो हमारे खान पान या हमारा जो बॉडी का रूटीन होता है वो अगर हम थोड़ा सा फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ डिसीज़, दिस इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ बॉडी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दवाइयों से पहले होता है कि हम नेचुरली अपनी बॉडी को कैसे सही कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, वेट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो और स्ट्रेस्ड आउट हो। स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है इसमें। और आपकी जो नींद है उसे पूरा लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। और डाइट, डाइट बहुत मैटर करती है। हेल्दी डाइट लेंगे आप जितना, आपको उतना ही कम इसके पीसीओडी होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम इसमें डाइट की बात करें, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है, तो इसमें आप जितना भी फाइबर वाला फूड होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसमें जैसे आपका हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, आप सब्जियों में ब्रोकली हो गया, ग्रीन वेज हो गया, कद्दू हो गया, बादाम हो गया, दाल ले सकते हैं आप, सभी तरीके की दालें, मसूर दाल हो गई और बादाम वगैरह हो गया, इस टाइप की चीज़ें, जूस वगैरह हो गया, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और पीसीओडी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें एक मेन है प्रोटीन, प्रोटीन आपको अच्छे से लेना है, प्रोटीन की कमी ना हो शरीर में, तो प्रोटीन को ज़रूर आप एक डाइट में, हेल्दी डाइट में ऐड करें। इसमें आप सभी तरीके की दालें हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करें। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी पड़ेंगी इसमें, जैसे आप चाय, कॉफ़ी या इस टाइप के कोई डिटॉक्स वो हो जाता है, रिफाइंड वगैरह हो गया, ब्रेड हो गई या तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आगे भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।